something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I'm... Good morning, कैसे हो आप सब? तो सुबह सुबह आर्यन के टिफिन बनाने से स्टार्ट हो रहा है मेरा आज का दिन एवरीडे की तरह। तो टिफिन में आज मैं आर्यन को दे रही हूँ पास्ता, और एज यूजुअल मैं हमेशा नेक्स्ट डे जो बनाऊंगी, अगर इसका कुछ प्रिपरेशन पहले दिन रात को करना पॉसिबल है तो वो मैं करके रखती हूँ। जैसे ये पास्ता बॉयल करना, चिकन भी बॉयल करके छोड़ना, बस ये सारी चीजें, और एक एक करके फ्रिज से सारी चीजें निकालना है, कढ़ाई में एक साथ डालना है, और फिर बस थोड़ा सा कुक करना है, बन जाता है आर्यन का टिफिन। और एक ही टिफिन आज लेगा वो। एक्चुअली मैं एवरीडे दो तीन टाइप के कुछ ना कुछ दे के भेजती हूँ, तो बोल रहे कि मम्मा जब आज पास्ता दे रही हो तो बस सिर्फ पास्ता ही देना। और आज पास्ता में मैं कुछ वेजेस भी दूंगी, क्योंकि वैसे तो वो कुछ खाता नहीं है वेजिटेबल्स, बहुत मुश्किल से उसे खिलाना पड़ता है, तो जो सारी चीजें उसको पसंद है ना, तो उसके अंदर ही मैं थोड़ा सा वेजेस डाल देती हूँ ताकि वो भी खाए और उसके साथ साथ थोड़ा सा वेजेस भी उसके पेट में जाए। तो एवरीडे टिफिन बनाते हुए बिस्ना जी भी आ जाती है, और उसके साथ साथ माइलो को वॉक करवाने भी आ जाते हैं। तो पहले माइलो वॉक करने जाते हैं, उसके बाद माइलो आने के बाद फिर ऑस्कर जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दोनों को अलग अलग से वॉक करवाते हैं। आज तो अभी तक अपना वीडियो अपलोडिंग पे नहीं डाला है, तो पहले अपलोडिंग में डाल देते हैं, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। एवरी ऑल्टरनेटिव डे, जैसे कि मेरे वीडियो 10 बजे पब्लिश होता है, तो इसके लिए मुझे पहले से कुछ तैयारी करना पड़ता है। वीडियो पब्लिशिंग के लिए पहले से प्रिपरेशन इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत है। तीन अलग अलग जगह से इंटरनेट हमने लेके रखी है, पर कभी कभार अगर डाउन होता है ना तो तीनों एक साथ हो जाते हैं, और उनमें से एक है जो कि बहुत ही स्लो है, अगर उसके ऊपर डिपेंड करके हमें रहना पड़ा ना तो बहुत टाइम लगता है एक वीडियो अपलोड होने में। तो इसलिए पहले ही मैं सुबह सुबह उठने के बाद ही अपलोडिंग पे बिठा देती हूँ, एंड देन 10 बजे के अंदर तो हो ही जाता है। आज बस आर्यन के एक ही टिफिन बॉक्स होगा, तो पास्ता बन चुका है और इसमें ही मैं डाल दूंगी, पूरा इसमें ही आ जाएगा। बैकयार्ड का ये जो लाइट से ये पूरा रात जलता रहता है, तो सुबह आने के बाद बिस्ना जी या तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। तो माइलो अभी वॉक करके आ रहा है, और ऑस्कर का अभी जाने का टाइम हो चुका है, तो उसे पता चल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बार्क कर रहा है। आर्यन स्कूल चले जाने के बाद से ही मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, और सबसे पहले तो ऑस्कर माइलो का खाने का बंदोबस्त कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों का अगर थोड़ा सा लेट भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उन लोगों को टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए। एवरीडे बैकयार्ड क्लीन कर लेते हैं बिस्ना जी, और टेरेस वीक में दो दिन क्लीन होता है, क्योंकि एवरीडे पॉसिबल भी नहीं है और जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे तो। पर यहाँ पे जब से ये फर्नीचर लाई हूँ ना, तो तब से थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर एक चीज हटा के यहाँ पे अच्छे से क्लीन करना, अदरवाइज धूल या तो दीवार के उस तरफ जो बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो ना, तो उसका जो फूल है, उसका जो सूखी पत्तियां है, वो नीचे गिर जाता है और इसके नीचे रह जाता है। तो अगर मैं सुबह सुबह थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ तो उनके लिए भी पॉसिबल होता है कि अच्छे से क्लीन करे, अदरवाइज ऑस्कर माइलो ये सूखे पत्तियां, कोई ड्राई फ्लावर कुछ अगर खा लेता है तो वो मुश्किल हो जाएगा। बैकयार्ड एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है, और ऑस्कर माइलो का भी, तो अगर जरूरत पड़े तो दिन में और एक बार मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज आफ्टर लंच यहाँ पे ना थोड़ा सा धूल आ जाता है, तो उसे इस तरह से रखना ठीक नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ पे हम बैठते हैं, चाय पीते हैं, और ऑस्कर माइलो भी यहाँ पे घूमता रहता है, तो बस इसलिए अगर जरूरत पड़े तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और जिस दिन देखती हूँ कि इतना क्लीन करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा गंदा कुछ है नहीं, तो बस ये जो टी टेबल है, तो टेबल को मैं नैपकिन से क्लीन कर लेती हूँ बस।
और सुबह इसी टाइम में मैं घर पे जो भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, जहाँ पे थोड़ा कम पानी की ज़रूरत है उसे मैं ऐसे शिफ्ट कर सकती हूँ, उसमें पानी डाल देती हूँ, लीफ भी क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो इंडोर प्लांट्स में अगर लीफ गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। और मिथुन उठने के बाद बड़े बड़े जो प्लांट्स है उसमें पानी दे देते हैं, और छत का पानी कोपिला या तो बिस्ना जी कोई एक दे देते हैं। Yes, I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about... Cheers. Morning, cheers. Morning, cheers. तो पूरे मतलब सुबह से लेके अभी तक का ये होता मेरा सबसे बेस्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम में मिथुन भी उठ जाते हैं और जो छोटे मोटे मिथुन का काम है उसका भी सेटअप कर लेते हैं, और मैं तो सुबह से अपना सेटअप मतलब अर्ली मॉर्निंग से मैं अपना सेटअप कर लेती हूँ, और उसके बाद दोनों मिलके जो चाय पीते हैं ये और सबसे बेस्ट टाइम होता है। और एक बेस्ट टाइम है पता है, और वो होता है कि लंच के बाद जब हम उस रूम में बैठ के दोनों सीरीज ढूंढते हैं कि आज क्या देखा जाए। उससे भी बेहतर लगता है कि शाम को जब हाँ शाम को यहाँ पे तो हाँ सबसे बेस्ट लगता है। अच्छा सबसे बेस्ट लगता है हाँ, क्योंकि ये लाइट वगैरह फिर पूरा शाम नहीं, एक होता है ना गोधूली ट्वीलाइट जिसको बोलते हैं। यस यस ट्वीलाइट मतलब अगर आसमान की तरफ देखो तो पूरा अंधेरा नहीं होता, आसमान दिख जाता है, चांद जस्ट आते हैं, जस्ट घना नीला आसमान। हाँ नीला आसमान, और उसके साथ साथ ये लाइट्स, और यहाँ पे बैठ के जब शाम का चाय पीते हैं तो अमेजिंग लगता है। पर दिन का ये तीन टाइम जो है ना मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आज डिश वॉशर से निकलेगा कुछ नया, टेन टन वाला चीज मिथुन ने मुझे गिफ्ट किया है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी किया है क्योंकि क्या क्योंकि मैं ऐसे गिफ्ट करता रहता हूँ, कोई क्योंकि नहीं, तुम्हें थैंक्स देने के लिए बोल रहे हो कि हमेशा मैं अच्छा अच्छा चीजें मिथुन को बना के खिलाती हूँ, जो मिथुन बोलते हैं वो भी, जो नहीं बोलते वो भी। तो मिथुन ने बोला तो तुम इतना कुकिंग का शौकीन हो, इतना अच्छा अच्छा मुझे खाना बना के खिलाती हो, तो तुम्हारे लिए ये लेके आते हैं। तो मिथुन गए थे होम सेंटर, वहां से ये ब्लैक प्लेट्स लेके आए, चार प्लस से आए, लेकिन होम सेंटर ने मुझे मुर्गी कर दिया। क्यों? वो एक प्लेट छोटा तुम दिखा रही थी ना, पता नहीं ब्रांडेड चीजों में सब गलती कैसे हो सकता है। सारे प्लेट्स के साथ एक प्लेट ऐसा आया है जो कि साइज में छोटा है, पर ये स्नैक्स प्लेट नहीं है, ये डिनर प्लेट ही है, पर एक प्लेट छोटा है। हाँ ये डिनर प्लेट ही है, डिनर प्लेट ही है, सेम प्राइस का ही है, पर मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट। बाय द वे जो भी है ये लाया, और आर्यन के लिए, आर्यन जैसे कि पूरे दिन भर थोड़ा 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 पानी पीता रहता है, इसके लिए इतना बड़ा ग्लास की कोई जरूरत नहीं है, और हर बार पानी पीने के बाद मैं ग्लास को प्रॉपर क्लीन करती हूँ, छोटे छोटे ग्लास यूज करने सही है। इसका एक सेट लाया है, तो लाने के बाद सबसे पहले मैंने इसे क्लीन कर दिया, तो आज से ये यूज होगा। तो चलिए अभी बताते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, बता दो मिथुन। बता दो, जैसे तुम खुश हो गए थे बहुत दिनों बाद मैं चिकन रिजला बनाने वाली हूँ, उसके साथ नान या कुलचे क्या जाएगा ये हम बाद में देखेंगे। तो ठीक है, दूसरा कोई मतलब सेम रेसिपी पर दूसरे तरीके से हम ट्राई करेंगे, कुछ नया ऐड करेंगे, कुछ स्किप करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन, चिकन कैसा भी पीस हो आप ले सकते हो, पर मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कोई फैंसी रेसिपी बनाने के लिए चिकन फुल लेग या तो थाई पीसेस। तो यहाँ पे मैंने लिया है व्हाइट अनियन, होल गरम मसाला, जिंजर के कुछ पीसेस, गार्लिक पीसेस एंड व्हाइट पेपर। इसके साथ मुझे चिकन पीसेस को बॉईल करना है, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूंगी इसमें। रिजला आइटम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि उसका जो ग्रेवी है ना वो ग्रेवी बहुत स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई भी लम्स या तो जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना जिंजर गार्लिक या अनियन का, वो दाने नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट अनियन का पेस्ट बना लिया है, और इसे जब आप कुक करेंगे तो कुक करते हुए जब तक ना ऑफ व्हाइट कलर में आ जाते तब तक इसे कुक करते रहना है, पर इसे लाल बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इस डिश का जो कलर होगा वो ऑफ व्हाइट कलर होगा, पर ज्यादा अगर डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कढ़ाई में है ऑयल, व्हाइट ऑयल, इसके साथ मैं ऐड करूंगी घी। अब अगर चाहे तो ओनली घी में भी बना सकते हैं। और
और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक्चुअली पेस्ट बना के मैं इसे स्टेन कर लिया है बिकॉज इसके अंदर ना बहुत सारे दाने थे तो वो मुझे नहीं चाहिए था। और इसमें मैं अभी ऐड करने वाली हूँ योगर्ट, पॉपी सीड्स एंड कैश्यू पेस्ट। और गैस होगा एकदम लो फ्लेम में। और सॉल्ट एज पर टेस्ट। एंड देन इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ चिकन स्टॉक और पहले से बॉईल किया हुआ चिकन। अभी मैं इसमें एक एक करके ऐड करूंगी। अभी इसे हम ढक के पकाएंगे। माइलो दुतु 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 दुतु, अच्छा दुतु दुतु। तो अभी जबकि ये कुक होना स्टार्ट हो चुका है तो अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कुछ इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि फ्राइड मखाने, फ्राइड ड्राई रेड चिली। और इसमें मैं बिरयानी मसाला ऐड करने वाली हूँ, पर हाँ बिरयानी मसाले के साथ मैंने व्हाइट पेपर भी एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये जो ग्रेवी है ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, तो अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ फ्रेश क्रीम और इसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड करना। एक्चुअली शुगर जब मैंने ऐड किया था ना तो इसका शूट मैंने नहीं किया था, तो थोड़ा शुगर भी ऐड करना। तो बन चुका है हमारा चिकन रिजाला, तो इसे अभी प्लेटिंग कर देते हैं बिकॉज अभी खाने का टाइम भी हो चुका है और आर्यन भी आ चुका है और सब मिला के थोड़ा सा लेट होने के कारण ना आज थोड़ा सा लेट ही हमारा लंच हो रहा है। बाय द वे कोई बात नहीं, लेट खाएंगे पर अच्छा खाएंगे। तो इस प्लेट को मैं गार्निशिंग करूंगी चिकन ऊपर थोड़ा सा फ्राइड अनियंस यानी कि बिरिस्ता और उसके साथ थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ताकि कलरफुल एक लुक आए। और मैं कैश्यू पहले से ही फ्राई करके रखी थी तो कैश्यू बस। तो ये ऑल ओवर इतना खूबसूरत दिख रहा है कि जैसे कि होटल में जब आप खाना खाने जाते हैं तो तब आपके सामने कितनी अच्छी तरह से किसी किसी जगह पे प्रेजेंट करते हैं ना खाना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने भी आज ट्राई किया है और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक कहावत है ना कि पहले दर्शन दरी फिर गुण बिचारी, तो खाने में कैसा होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, पर आपके सामने जब कोई चीज आता है इतना अच्छा एक डेकोरेशन के साथ तो वो देख के मन करता है ना कि थोड़ा सा चख के देखूं, तो बिल्कुल इस तरह से। तो इस प्लेट में मैं दो लेग पीस सर्व करूंगी और वो भी अलग तरीके से, तो दोनों प्लेट में अलग अलग लुक आएगा। तो आज ब्रेड बाहर से लाया गया क्योंकि इसके साथ ब्रेड आइटम से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और मैंने बोला था कि मैं बना लूंगी, पर मिथुन बोल रहा है कि इतना अच्छा रेसिपी के साथ तुम बनाओगे तो रेस्टोरेंट जैसा ब्रेड आइटम्स तो नहीं बना सकते, क्योंकि हाँ मैं बना लेती हूँ तरह तरह के बना लेती हूँ पर इतना अच्छा और सॉफ्ट ना मैं नहीं बना सकती। पर हाँ ट्राई करेंगे तो कभी ना कभी हो ही जाएगा और वैसे भी आज थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए ब्रेड में और ट्राई नहीं किया। तो कुलचे मंगवा लिए हैं, एक है स्टफ्ड कुलचा जो कि मेरे लिए है और बाकी के जो है वो है विदाउट स्टफ ऐसे प्लेन कुलचिया। तो कुलचे के साथ ये चिकन रिजाला इतना अच्छा लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। और आर्यन बोल रहा है खा रहे हैं और बार बार बोल रहा है कि मम्मा बहुत सॉफ्ट हुआ है चिकन। सबसे बड़ी बात कि फुल लेग जब हम बनाते हैं ना तो थोड़ा सा हार्ड रहता है, कभी कभी सॉफ्ट हो जाता है, और अगर सॉफ्ट होता है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है पर इसका शेप नहीं रहता उस टाइम में। पर जबकि मैंने स्लो कुक किया है तो ऊपर का जो पोर्शन है ना पहले बॉयल करने के कारण इसका शेप ठीक ठाक है जैसे कि होना चाहिए, और स्लो कुक लास्ट में मैंने स्लो कुक किया था जिसके कारण ये एकदम से अंदर से गल गया है। और इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट, टेस्टी, इतना मॉइस्चर,
एकदम सोने पे सुहागा लग रहा है दोनों एक साथ। वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे हमें मुझे सजेशन देने के लिए सारे चीजों के मामले में, और स्पेशली बेवरेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके पास अगर इस तरह के रिफ्रेशिंग बेवरेज का अगर कोई रेसिपी है तो मुझे प्लीज बताना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, चाहे विंटर हो या समर हो या मॉनसून हो, कुछ भी हो, पर मुझे बेवरेजेस बहुत अच्छा लगता है। सच में मजा आ गया, एक तो जिंजर एल, ऊपर से आइस और लेमन का मुझे खट्टापन और उसका जो एक फ्लेवर है, ये दोनों मिक्स होके है ना अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमें क्या इसमें पुदीना भी डालना चाहिए, मुझे प्लीज बताना, अगर मैं पुदीना डालूं तो क्या अलग से कोई स्मेल आएगा, मतलब और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा, पता नहीं, कभी ट्राई करेंगे। आज लंच बहुत सेटिस्फाइंग था, मुझे लगा था जब तक मैं लंच कर रही थी कि इतना सेटिस्फाइंग लंच, उसके बाद जब मैं ये पी रही हूँ अभी लग रहा है कि इतना सेटिस्फाइंग ड्रिंक। तो चलिए, इतना अच्छा लंच के बाद और इतना अच्छा डिनर सॉरी ड्रिंक के बाद थोड़ा सा तो अभी रेस्ट लेना बनता है, क्योंकि शाम को भी मेरा एक प्रोग्राम है तो वहां पे जाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, रेस्ट कैसे लूंगी पता नहीं, थोड़ा सा सोएंगे या कोई सीरीज वगैरह कुछ देखेंगे, पता नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। अगर नींद नहीं आता तो थोड़ा सा टीवी देख लूंगी, और फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।